ॐ तत्कर्मयन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी गुरुजनों एवं वरिष्ठ जनों के चरणों में सादर वंदे और प्रणाम करती हूँ। व्यास पूजा समारोह के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सच्चिदानंद जी जोशी, संगठन मंत्री माननीय मुकुल जी कानिटकर, सह संगठन मंत्री माननीय शंकरानंद जी, महामंत्री माननीय श्री उमाशंकर जी पचौरी एवं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम पूज्य स्वामी अक्षर वत्सल दास जी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों तथा भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित एवं भारत केंद्रित करने हेतु नीति पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता के आवाहन के लिए आवश्यक अनुसंधान प्रबोधन प्रशिक्षण प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति हेतु हमने विभिन्न प्रकल्पों प्रकोष्ठों और आयामों का निर्माण किया है। इन्हीं प्रकोष्ठों और प्रकल्पों के माध्यम से हम वर्ष भर शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष हमारे उत्सव परंपरा के रूप में हम आयोजित करते हैं। इनमें प्रथम नववर्ष वर्ष प्रतिपदा के रूप में हम मनाते हैं। इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। दूसरा उत्सव है स्थापना दिवस। चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात रामनवमी के दिन 1969 में भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना की गई। इसी दिन को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं।
प्रतिवर्ष वसंत पंचमी के दिन शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजन कर हम ध्येय प्राप्ति के लिए ऊर्जा एवं आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारत माता पूजन भारतीय शिक्षण मंडल के ध्येय में ही उत्सव परिलक्षित होता है। प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह में इस उत्सव का हम आयोजन करते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन हमारे देश में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अवर्णनीय है गुरु की महिमा। लेकिन गुरु और शिष्य के मध्य एक विश्वास और श्रद्धा का निर्माण होना अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा में जब शिष्य गुरुकुल में प्रवेश करता था तो अपने साथ संविधा लेकर गुरु के सामने उपस्थित होता था। उसके पीछे ध्येय यह था कि जिस प्रकार ये संविधाएं यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, उसी प्रकार मैं अपने सभी गुण और दोषों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आप इन यज्ञ की संविधाओं के अनुरूप ही मेरे दोषों को समाप्त कर मुझ में यज्ञ की ज्ञान यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर मेरी आत्मा के अंधकार को दूर करें। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ शिष्य गुरुकुलों में प्रवेश करते थे। व्यास पूजा समारोह के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूज्य अक्षर वत्सल दास स्वामी जी, अक्षर पुरुषोत्तम धाम स्वामीनारायण संस्थान के विद्वान संत हैं। आपने गुरु परम पूज्य स्वामी महाराज की प्रेरणा से 1981 में संस्थान में स्वामी के रूप में दीक्षा प्राप्त की। स्वामीनारायण संस्थान सामाजिक एवं आध्यात्मिक हिंदू संस्थान है जो आध्यात्मिकता की लौ संपूर्ण विश्व में प्रज्वलित करने का कार्य कर रहा है। स्वामी जी ने अहमदाबाद के स्वामीनारायण संस्थान की दर्शन अध्ययन शाला से वेदांत, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास एवं भाषा का अध्ययन किया है। आपने मंदिरों की स्थापत्य कला का भी अत्यंत गहराई से अध्ययन किया है और अपने इस अध्ययन ज्ञान का शोध पत्रों तथा लेखों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इस अध्ययन को प्रचारित एवं प्रसारित किया है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से गांधीनगर गुजरात, नई दिल्ली तथा न्यू जर्सी में स्थापित होने वाले अक्षरधाम के निर्माण के विचार को जन्म देने वाली तथा उसकी आकृति और आकार की परिकल्पना करने वाली कोर कमेटी के भी आप सदस्य रहे हैं। आपका लेखन में आपकी बहुत अधिक रुचि है। आप एक मूर्धन्य लेखक हैं। संस्थान के द्वारा प्रकाशित होने वाली हिंदी और गुजराती मासिक पत्रिका स्वामीनारायण प्रकाश का संपादन विगत 3 दशकों से आप कर रहे हैं। आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। स्वामीनारायण संस्थान अहमदाबाद में आप परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज व पूज्य महंत स्वामी जी के सानिध्य में विगत 40 वर्षों से साधना रत हैं। ऐसे विद्वान प्रखर वक्ता गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पाथेय से पूर्व स्वाध्याय लाइब्रेरी जाल पोर्टल तथा अणु उपकरण ऐप का परिचय तथा उद्घाटन होगा। उद्घाटन के पश्चात स्वामी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा।
Welcome to the Swadhyay app demo. On the main screen, you can see ebooks, audios, and videos at a glance. You can also search for any particular title. For example, let's search the very famous Swatantra Veer Savarkar's book, 1857 ka Swatantra Samar. If you want to read an ebook, please select the ebook and click read. Here you can read the book, highlight or underline anything. You can also write the review. Like and share the book. In the audio section, you can listen to the audio and share it. You can play the audio while you are traveling and spending a leisure time at home. Lecture 3. Harmony between the individual and the collectivity. Similarly, in the videos section, you can watch videos and share them. अगले साल कई दूसरे स्वयंसेवक आगे की पढ़ाई के लिए. From the menu, you can manage your profile, contact the Swadhyay team, and upload any new material very easily. Thank you. Welcome to www.swadhyaylibrary.org. The website has all the features that we have just seen in Swadhyay app. You can easily browse any study material by narrowing down your search. For example, let's see all the ebooks that are in the category biography. We wish you a very happy learning on this self-study platform, and as they say, Atma Deepo Bhava, be your own light. Shri Swaminarayan Bhagavan Ki Jai, Shri Akshara Purushottam Maharaj Ki Jai, Shri Radha Krishna Dev Ki Jai, Siyavar Ramachandra Bhagavan Ki Jai, Umapati Mahadev Ki Jai, Sadguru Dev Ki Jai, प्रमुख स्वामी महाराज गुरुदेव महंत स्वामी महाराज की जय। आज बड़ा हर्ष होता है कि भारतीय शिक्षा मंडल के द्वारा व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इतना एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों तक एक उत्तम संदेश को पहुंचाने का लक्ष्य है। गुरु परंपरा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की महिमा, ये सब बातें इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा आज सभी के हृदय तक पहुंचाई जाएगी। मुझे जो विषय दिया गया है, गुरु के प्रति श्रद्धा, थोड़ा सा इस विषय पर हम विमर्श करेंगे। जीवन एक संघर्ष है, एक ऐसा संघर्ष जो अनिश्चितताओं से सबर है, एक ऐसा जीवन जो अनजान भविष्य को लेकर पल पल क्षण क्षण दिन दिन बीतता जाता है, एक ऐसा जीवन जो सागर के समान है, और वो भी ऐसा सागर जिसका कोई किनारा हमें दिखाई नहीं देता है। सचमुच ये जीवन एक अनिश्चितताओं का समूह है।
लेकिन फिर भी इसे क्षणभंगुर कहा गया है, इसे अनित्य कहा गया है, फिर भी उसे अनमोल भी कहा गया है। अनमोल है। मुझे आज से कई सालों पहले एक अमरीकी चिंतक व वैज्ञानिक ने मानव शरीर का जो मूल्य कहा था वो याद आ गया। उसने कहा था कि मानव शरीर का मूल्य कितना है, 6,000 ट्रिलियन डॉलर्स। यदि उसे हम आजकल के विनिमय के अनुसार रुपयों में गिनती करें तो क्या हो सकता है। हम गिन सकते हैं कि ये अरबों खरबों की बात है। लेकिन उस वैज्ञानिक ने साथ साथ ये भी कहा था, उन्होंने कहा था कि ये बिना प्राण के शरीर का मूल्य है। तो प्राण युक्त शरीर का तो कितना मूल्य हुआ कोई बता नहीं सकता। तो इस तरह से यह जीवन सच में अनमोल है, अमूल्य है। लेकिन इस जीवन को सार्थक करना, इस अनमोल जीवन को सार्थक करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जीवन मिला वो एक बात है, उसको सार्थक करना वो उससे भी बड़ी बात है। जीवन को सार्थक करना है, जीवन को सुखी करना है, जीवन को उज्जवल बनाना है, जीवन को कृतार्थता से भर देना है, वो हमारा लक्ष्य है। मगर वो हम कैसे कर पाएंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल है। यह खोज आजकल के लोगों की नहीं है, यह तो सहस्राब्दियों से यह खोज चली आ रही है। मैं तो यूं कहूंगा कि जब से इस पृथ्वी पर मानव अस्तित्व का प्रारंभ हुआ है तब से यह खोज चली आ रही है। और इसके लिए ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अनेकों प्रयोगों के लिए अनेकों महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपना अनुपम योगदान दिया है। लेकिन सभी महापुरुषों ने, इन सभी शास्त्रों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, चिंतकों ने अपने अपने अनुभवों से जो सार तत्व निकाला वो एक बात पर विशेष जोर देके उन्होंने वो सार तत्व हमारे सामने रखा। जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने यही लिखा है, आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मतलब एक ही बात सभी ने बताई, सर्व का आलोडन करते हुए बताया, श्रद्धा तत्व। श्रद्धा ही जीवन है, श्रद्धा ही जीवन का बल है, श्रद्धा ही जीवन में सफलता की चाबी है, श्रद्धा ही जीवन के लिए जल के समान है। इसलिए हमारे महान ऋषि मुनियों ने, हमारे महान आर्षद्रष्टा महापुरुषों ने ऋग्वेद में श्रद्धा सूक्त का गान किया है। उन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो श्रद्धा गान किया है, श्रद्धा सूक्त का उच्चारण किया है, वो हजारों सालों से आज तक हमें श्रद्धा की प्रेरणा देता है। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि, श्रद्धा इज द बेस्ट अमंग ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ। श्रद्धा सभी धन में, सभी ऐश्वर्यों में श्रेष्ठ है। किसी ने बहुत सुंदरता से लिखा है कि फेथ इज जस्ट एज द एयर वी ब्रीथ, व्हाइल ऑक्सीजन इन द एयर नरिशिज द बॉडी, फेथ नरिशिज अवर सोल, अवर हार्ट्स, अवर माइंड, अवर इनर सेल्फ। इट इज द एनर्जी
that courses through every single cell within our beings. हमारे प्रत्येक कोश को श्रद्धा से ऊर्जा मिलती है. श्रद्धा हमारे पूरे अस्तित्व को निभाती है. श्रद्धा की व्याख्या क्या है, उस विषय की गहराई में हम आज नहीं जाएंगे, किंतु श्रद्धा के तीन प्रकार के बारे में संक्षेप में विमर्श करेंगे. तीन तरह की श्रद्धा कही जा सकती है. प्रथम श्रद्धा है भगवद श्रद्धा, फेथ इन गॉड. द्वितीय श्रद्धा है गुरु श्रद्धा, फेथ इन गुरु. और तृतीय श्रद्धा है आत्म श्रद्धा, फेथ इन सेल्फ. भगवद श्रद्धा तो भारतीय संस्कृति की भागीरथी है, जिसके विषय में निरूपण करने की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है. यहां तो हमारी भावना है कि हर बालक एक मोहन है और हर बाला एक राधा है. यहां तो हमारी भावना है कि हर जीव में शिव है. हमारी संस्कृति में श्रद्धा तत्व सिखाया नहीं जाता है, वो तो डीएनए में ही आता है. संस्कार कुल परंपरा के द्वारा बहते हैं, इस तरह श्रद्धा भी कुल परंपरा के द्वारा बहती रहती है. फिर भी भौतिकता के प्रभाव के कारण कभी कभी नास्तिकता का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है. फिर भी भौतिकता के प्रभाव के कारण कहीं कहीं कभी कभी नास्तिकता का भी प्रभाव हमें दिखाई देने लगा है. हमारे गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज मुझे स्मरण हो रहा है. गुरु पूर्णिमा का अवसर है और उनका कहा हुआ एक वाक्य मुझे याद आ गया. वो बार बार कहते थे, वो तो कहते थे, कभी भी कोई भी व्यक्ति पूर्णतः नास्तिक या श्रद्धाहीन हो ही नहीं सकता. छोटे बड़े अंश में मानव मात्र में श्रद्धा होती ही है, लेकिन अपने अहंकार के कारण कभी मानवी मनुष्य वो अपने आप को नास्तिक दिखाता रहता है. हां, यदि आप इस ब्रह्मांड की रचना को देखेंगे, इस विश्व की संरचना को देखेंगे, हमारे मानव शरीर की बात देखें, दूर तो बात कहां करें, हमारे आसपास का जो है कुछ चराचर सृष्टि का दृश्य उसको देखेंगे, तो हमें अपने आप में भगवद श्रद्धा की प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी. प्रसिद्ध अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर कार्ल सेगन ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है, कॉस्मोस. उसमें उन्होंने भगवान श्री शिव नटराज की प्रतिमा को प्रकाशित किया है और भारतीय परंपरा में जो भगवत श्रद्धा की बात कही गई है, ब्रह्मांड के सृजन की, ब्रह्मांड के पोषण की, ब्रह्मांड के संहार की, उन सभी बातों को बहुत सुंदरता से उन्होंने उसमें समाया है. और उन्होंने लिखा है कि इस ब्रह्मांड की रचना को यदि कोई सही अर्थ में समझने का प्रयास करेगा तो वो कभी नास्तिक रह ही नहीं सकता. उन्होंने लिखा है, इस ब्रह्मांड की रचना को यदि कोई सही अर्थ में समझने का प्रयास करेगा तो कोई भी व्यक्ति कभी नास्तिक रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. कुछ वर्ष पहले एक किताब मेरे हाथ में आई थी, उसका शीर्षक था 7 Reasons Why Scientists Believe in God. जब मैंने इस किताब को पढ़ा था तब उसकी कुछ बातें, उसके कुछ तर्क हृदय को छू गए थे. उसमें से एक जो तर्क था वो बहुत सुंदर था, यूनिफॉर्मिटी इन द क्रिएशन. केवल इस एक तर्क को ही देखें, देखिए पूरी हमारी ये सृष्टि है,
उसमें कितनी यूनिफॉर्मिटी, एक सूत्रता है। एक उदाहरण, जन्म, यौवन, जरा और मृत्यु, इन चार शब्दों को देखें। चाहे मनुष्य का जन्म हो, चाहे पशु का जन्म हो, लेकिन ये जो चार जो क्रम है वो सर्वत्र एक सा दिखाई देता है। तो उसकी पूरी छानबीन करके एक सुंदर सर्वेक्षण करते हुए वैज्ञानिकों ने तारण निकाला, चाहे मानव हो या दानव, चाहे पशु हो या पंछी, चाहे वृक्ष या फल, चाहे जंतु हो या जगत, सर्वत्र ये क्रम आपको दिखाई देगा। कौन है वो मास्टर डिजाइनर जिसने इस पूरी सृष्टि में इस तरह की यूनिफॉर्मिटी, एक सूत्रता रखी है? कभी कोई वृद्धावस्था में जन्म नहीं लेता है, बालक के रूप में ही जन्म लेता है। हाँ, कभी कोई युवान जन्म नहीं लेता है, चाहे पंछी क्यों ना हो, चाहे पशु क्यों ना हो। इसी तरह से ब्रह्मांड भी जब जन्म लेता है, उसकी भी बाल्यावस्था होती है, उसकी भी यौवनावस्था होती है, उसकी भी जरावस्था होती है। यह वैज्ञानिकों का कहना है। तो कोई इसका मास्टर डिजाइनर है जिसने पूरे विश्व में एक यूनिफॉर्मिटी, एक सूत्रता रखी है। दूसरा सुंदर तर्क उन्होंने दिया है, मोशन, गति। देखिए, गति जहां भी आप देखेंगे ब्रह्मांड में गति है। हमारे कोशों में देखेंगे, हमारी रक्तवाहिनियों में देखेंगे, हमारे आसपास देखेंगे, हमारी पृथ्वी को देखेंगे, हमारे नौ ग्रहों को देखेंगे, हमारे ब्रह्मांड को देखेंगे, वहां से लेकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से लेकर एक अणु के भीतर, एक परमाणु के भीतर जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु केंद्र होता है, उस केंद्र के भीतर भी छोटे छोटे कण सतत गतिरत है, मोशन में है। कैसे यह संभव है? पूरा विश्व मोशन में है, गति में है। कौन है वो गति देने वाला? कौन है वो ऊर्जा देने वाला जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को गतिमान रखता है? जी हां, बहुत कुछ बातें हैं इस विषय में, लेकिन इसे बताते बताते मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक बालक रेलवे में अपने स्वजनों के साथ यात्रा कर रहा था। अपने पारिवारिक संस्कारों के कारण उस बालक के हाथ में जपमाला थी। सामने बैठे एक सुशिक्षित नास्तिक व्यक्ति ने इसे देखकर उस बालक का उपहास करना शुरू किया। उसने बालक से पूछा कि बच्चे, क्या मैं तुम्हें एक सवाल कर सकता हूं? बच्चे ने विनम्रता से कहा, जी पूछिए, आपकी जो इच्छा हो वो पूछ लीजिए। तब उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि तुम ये माला जप कर रहे हो तो इससे लगता है कि तुम्हें भगवान में श्रद्धा है, मगर मेरा सवाल यह है कि सचमुच भगवान क्या है? मैं तो नहीं मानता कि भगवान जैसा कुछ है, और मुझे तो उस भगवान में श्रद्धा रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं लगती है। आई बिलीव गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। उस बालक ने हंसते हंसते कहा, जी हाँ, तो बड़ा रसप्रद विषय है, लेकिन क्या मैं आपको इसके उत्तर से पहले एक सवाल पूछ सकता हूं? उसने कहा कि ऑफ कोर्स, पूछिए, आपको जो सवाल पूछना हो। बालक ने पूछा कि हॉर्स
काव एंड डियर, घोड़ा, गाय और हिरन, ऑल ईट ग्रास, येट डियर एक्सक्रीट्स पैलेट्स, काव फ्लैट पोटी एंड हॉर्स क्लम्प्स, वाई? सभी हरा घास ही खाते हैं, लेकिन जो उत्सर्जन करते हैं वो अलग अलग तरह क्या होता है, वो कैसे? तब उस नास्तिक ने कहा, भाई मैं तो बहुत कुछ पढ़ा हूं लेकिन मुझे इसके विषय में कुछ मालूम नहीं है। तब उस बालक ने हंसते हंसते कहा, डू यू रियली फील क्वालिफाइड इनफ टू डिस्कस अबाउट गॉड व्हेन यू डोंट नो इवन शिट? आपको इतना भी मालूम नहीं है तो आप भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए अपने आप को क्या लायक समझते हैं? हमारा ज्ञान कितना मर्यादित है, हम इस सृष्टि के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, अपने आप के विषय में, अपने ब्रेन के बारे में, अपने हृदय के बारे में, अपने अस्तित्व के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में हम क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। और फिर भी हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता परमात्मा, द मास्टर डिजाइनर, उसके विषय में चर्चा करते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं कि मैं तो भगवान में नहीं मानता। हाँ, उस महान जीवनदाता परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक अंतर तल में कभी शांति नहीं होगी, अशांति कभी नहीं मिटेगी, व्यक्तिगत तौर पे या सामुदायिक तौर पे। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावे की श्रद्धा की बात नहीं है। तो इस तरह से भगवत श्रद्धा के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। शायद भगवान में श्रद्धा रखना कुछ सरल सा है, किंतु द्वितीय श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, वो कठिन है। गुरु में श्रद्धा रखना, वो भी जीवंत गुरु में श्रद्धा रखना, वो विशेष रूप से कठिन है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जब गुरु में श्रद्धा नहीं होती है तब सही अर्थ में कभी भी भगवत श्रद्धा नहीं हो सकती, नहीं आत्मश्रद्धा हो सकती। जब हमें गुरु में श्रद्धा होती है तभी आत्मश्रद्धा या परमात्मा श्रद्धा संभव हो सकती है। परमात्मा श्रद्धा और आत्मश्रद्धा के बीच गुरु श्रद्धा एक सेतु है। उपनिषदों में गुरु को, ब्रह्म को सेतु के रूप में भी कहा गया है। ये गुरु श्रद्धा इसलिए अनिवार्य है, अपने आप में श्रद्धा प्रकट तभी कर पाओगे जब गुरु में श्रद्धा होगी, और जब अपने आप में श्रद्धा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में, हिंदू सनातन वैदिक धर्म परंपरा में गुरु को कितना महत्व दिया गया है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इतना कितना भाव से कहा गया है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन्होंने हमारे अज्ञान अंधकार का नाश किया, हमें ज्ञान दिया, हमें सही अर्थ में अंतर चक्षु दिए, ऐसे महान गुरु के चरणों में यदि हम वंदना न कर सकें, उनके प्रति यदि हम श्रद्धा न कर सकें, उनके प्रति हम आदर भाव न रख सकें, तो हम कृतज्ञ है। हमारे यहां गुरु की महिमा जो कही गई है वो मुझे अब याद आ रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल मन में आ रहा है। जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, यदि इस विश्व में एक भी गुरु का अस्तित्व न होता तो जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, जब से इस मानव अस्तित्व का आरंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक
यदि इस पृथ्वी में एक भी गुरु का जन्म न हुआ होता तो जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, तो मैं ये कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, तो आज लाखों वर्षों के मानव अस्तित्व के बाद भी मनुष्य आदि मानव की अवस्था में ही रहता, आज भी वो आदि मानव की अवस्था में होता। आज जो कुछ है, हम जो मानव सभ्यता में जो कुछ आज तरक्की देख सकते हैं, उसका मूल केवल गुरु के चरणों तक जाता है, उसका मूल गुरु के प्रति श्रद्धा के ओर जाता है। हां, मैं कहूंगा कि गुरु के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान की धारा बहती है, जो हमारी मानवता को, जगत को दिन ब दिन नई ऊंचाई तक ले जाती है, उसका योगदान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम जो भी हैं, एक व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं, हम जो भी हैं, हम जहां भी हैं, हम जो भी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, इसमें किसी न किसी रूप में गुरु का योगदान है। गुरु को चाहे आप शिक्षक नाम दे दीजिए, गुरु को चाहे आप आचार्य नाम दे दीजिए, गुरु को चाहे आप प्राचार्य नाम दे दीजिए, गुरु को चाहे आप प्राध्यापक नाम दे दीजिए, अध्यापक नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन हम आज जो भी हैं और आगे भी हम जो अच्छाइयां प्राप्त करेंगे, उसमें गुरु का ही योगदान है। मार्ग चाहे अध्यात्म विद्या का हो, ब्रह्म विद्या का हो, या मार्ग चाहे भौतिक विद्या का हो, कोई भी मार्ग हो, मगर गुरु अनिवार्य है, गुरु के प्रति श्रद्धा अनिवार्य है, गुरु के प्रति आदर भाव अनिवार्य है। गुरु ही हमारे जीवन को प्रशस्त करते हैं, अंधकारमय जीवन से हमें उजाले की ओर ले जाते हैं। इसलिए कबीर जी ने गाया, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यमघाट। मुझे श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी की याद आ रही है। आदि शंकराचार्य जी के लिए हम जितना कहें वो कम है। कभी एक महानुभाव के वक्तव्य में मैंने उनके लिए एक शब्द सुना था, इंटेलेक्चुअल जायंट, प्रखर बुद्धिमंत। तो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष, ऐसे प्रखर बुद्धिमंत क्या लिखते हैं गुरु के विषय में। उन्होंने तो पूरे 8 श्लोकों का स्तोत्र लिखा है, मैं उसकी एक पंक्ति का अभी उच्चारण करूंगा। गुरो रंग्री पद में मनश्चेतन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उन्होंने लिखा, आपने चाहे कितना ही अधिकतर जीवन में उपलब्धियां पाई न हो, शरीरम सुरूपम सदा रोग मुक्तम, यशश्चारुचित्तम धनम मेरु तुल्यम, गुरो रंग्री पद में मनश्चेत न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। 4 बार बोला, आपके पास सुरूप शरीर है, वो भी स्वस्थ स्वरूप शरीर है, ज्ञान भी आपके पास बहुत है, सदा रोग मुक्त है, और कीर्ति चारों ओर फैली है, धन भी मेरुतुल्य है, इतना होते हुए भी यदि आपने गुरु के चरणों में अपने आप को श्रद्धापूर्वक समर्पित नहीं किया है, सो वॉट, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी का ये वचन है, जिनके विषय में आज विश्व के बड़े बड़े फिजिसिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। ये कोई
आम आदमी नहीं थे आदि शंकराचार्य जी। तो हां, यह है गुरु की श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा की महिमा। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है तो हम शायद इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ज्ञान एवं विजडम सयानापन वो नहीं मिल सकता जिससे हमारा जीवन सुखी हो सकता है। ज्ञान से जीवन हो सकता है सुखी, इंफॉर्मेशन से नहीं। तो ज्ञान की जो विजडम की जो सयानेपन की जो बात है उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा बड़ी आवश्यकता है। एकलव्य का उदाहरण हमारे यहां सुप्रचलित है। एकलव्य क्या श्रद्धा थी उसकी? उसकी श्रद्धा तो मिट्टी के पुतले में थी, और उस मिट्टी के पुतले में उसने स्वयं गुरु की भावना की थी। तो उसी तरह की श्रद्धा यदि हम अपने जीवंत गुरु के प्रति रख सकते हैं तो हम भी कहां जाकर के सिद्धियों के शिखर पर बैठ सकते हैं। यदि आपको डॉक्टर में श्रद्धा नहीं है तो चाहे विश्व की कितनी ही श्रेष्ठ दवाइयां आपको दी जाएगी, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर में श्रद्धा, वैद्य में श्रद्धा अनिवार्य है। स्वस्थ होना है तो वो श्रद्धा चाहिए। इस विषय पर एक डॉक्टर बर्नी सिगल ने बहुत सुंदरता से पुस्तक लिखा है। उसका शीर्षक है लव मेडिसिन एंड मिरेकल। उसमें श्रद्धा तत्व की बात सुंदरता से समझाई है। इसी तरह से एक बड़े अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, उन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े प्रखर विज्ञानी है, उन्होंने पुस्तक लिखा है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। बड़ी सुंदरता से यह बात समझाई है। यदि आपको परमात्मा में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, अपने आप में श्रद्धा है, तभी आप अपने आप को सुखी कर पाओगे। गुरु के प्रति आज आदर कम होता जा रहा है, यह कम नसीबी है। आज विश्वविद्यालयों में हम देखते हैं, शालाओं में देखते हैं, गुरु के प्रति जो आदर था हमारी परंपरा में वो आज लुप्त तो होता जा रहा है। गुरु के प्रति आदर का खत्म होना, गुरु के प्रति श्रद्धा का समाप्त होना, वो एक भव्य सांस्कृतिक परंपरा को समाप्त करना है। एक भव्य धरोहर, एक भव्य विरासत हम खो देंगे यदि हम गुरु के प्रति श्रद्धा खो देंगे तो। कभी कभी मुझे मन में सवाल होता है, एक विश्वविद्यालय में मुझे व्याख्यान के लिए जाना हुआ था और वहां मेरे विषय का शीर्षक था हमारी भव्य विरासत। तो भव्य विरासत के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ बातें कही, जिसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि अनेकों से लेकर 19वीं सदी के या 20वीं सदी के हमारे ऐसे प्रखर वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि के कुछ नाम लेकर मैंने सब कुछ बताया, कितनी हमारी भव्य विरासत है। इसलिए आज व्यास पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों को बड़े विनम्र भाव से निवेदन करूंगा, आपने जिसने भी जो भी कुछ सिखाया है, चाहे कोई प्राध्यापक है, चाहे शिक्षक है या मां बाप है, आपने जहां से भी कुछ सीखना मिला है उसके प्रति श्रद्धा आदर रखें, वो आपका चरित्र महान बनाएगा। ये कोई व्यावसायिक तौर नहीं है। हां ठीक है कि स्कूल में या कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में गुरुजी को दक्षिणा के रूप में
कुछ न कुछ दिया जाता रहा है, पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, वो तो ठीक है, वो तो एक व्यवहार है, उपकृतता का भाव है, कृतज्ञता का भाव है। मगर गुरु शिष्य का संबंध व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय बनना नहीं चाहिए, वो श्रद्धा का विषय होना चाहिए, आदर का विषय होना चाहिए। तो आज के गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहूँगा कि आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन पर ही नहीं, जीवन भर ये याद रखें, गुरु पूर्णिमा हर रोज है। हर रोज उन लोगों के प्रति, उन गुरुओं के प्रति, उस गुरु परंपरा के प्रति हृदय में श्रद्धा रखें, जिसके कारण आज हम हैं, आगे भी हम रहेंगे, आगे भी हम तरक्की करेंगे। आज के इस अवसर के लिए मैं भारतीय शिक्षा मंडल का आभारी हूं और भारतीय शिक्षा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का भी मैं आभारी हूं और आप सभी का भी आभारी हूं। अस्तु, धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। नमस्कार। आज का व्यास पूर्णिमा के निमित्त आयोजित इस सजीव प्रसारण के मंच पर उपस्थित परम आदरणीय संत अक्षर वत्सल जी और भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री अरुणा सारस्वत जी और इस सजीव प्रसारण के साक्षी बनकर उपस्थित ऐसे भारतीय शिक्षण मंडल के आदरणीय अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद जोशी जी, परम आदरणीय महामंत्री श्री उमाशंकर पचौरी जी और परम आदरणीय श्री मुकुल कानिटकर जी और इस सजीव प्रसारण के साक्षी बनकर देख रहे हैं ऐसे भारतीय शिक्षण मंडल के सभी सदस्य, कार्यकर्ता गण और शिक्षा क्षेत्र के सभी मूर्धन्य लोग, सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल में हम 6 उत्सव हम मनाते हैं, उनमें से व्यास पूजा भी एक है। पहला उत्सव है वर्ष प्रतिपदा यानी युगादि, दूसरा है स्थापना दिवस रामनवमी के दिन हम मनाते हैं, तीसरा ही व्यास पूजा है। इसके बाद भारत माता पूजन, सरस्वती पूजन और मातृभाषा दिवस, ऐसे 6 उत्सव हम मनाते हैं। इन भारतीय शिक्षण मंडल वी सेलिब्रेट 6 उत्सव्स इन ए ईयर। द फर्स्ट वन इज युगादि, द सेकेंड इज द फाउंडेशन डे, दैट इज ऑन रामनवमी वी सेलिब्रेट दिस फाउंडेशन डे, द थर्ड वन इज द व्यास पूजा सेलिब्रेटिंग ऑन व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा, देन कम्स भारत माता पूजन, सरस्वती पूजा एंड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। प्रत्येक उत्सव का संदेश अनोखा ही है, जिसके कारण समाज परिवर्तन संभव हो पाता है। ये उत्सव समाज परिवर्तन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, फिर भी हम वर्ष प्रतिपदा और व्यास पूजा का उत्सव को व्यापक रूप से मनाने का हम संकल्प किया है। द मैसेज ऑफ एवरी सेलिब्रेशन इज यूनिक एंड
they play an outstanding role in the reformation of the society. Even then, we thought to celebrate Varsha Pratipada and Vyasa Puja in massive manner. Vyasa Puja ko संगठन को सशक्त बनाने की दृष्टि से कैसे सोचा जाए, इसके बारे में मैं कुछ विचार आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। वैसे हर एक कार्यक्रम हमको संगठन को सशक्त बनाने के लिए ही उपयोग करना है, इस दृष्टि से ही देखना है। लेकिन व्यास पूजा के दृष्टि से हम कुछ बिंदु आज सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। टुडे आई रिलेट द व्यास पूजा सेलिब्रेशन विद अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंट द वे इन विच वी कैन स्ट्रेंथन अवर ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ द मैसेज ऑफ व्यास पूर्णिमा टू अकम्प्लिश अवर गोल ऑफ रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम। किसी कार्य करने के लिए एक वैचारिक अधिष्ठान बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय दर्शन चिंतन ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक वैचारिक अधिष्ठान है। कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन में इस वैचारिक अधिष्ठान जो है भारतीय दर्शन, इसके प्रति अपने जीवन में अटूट श्रद्धा और प्रतिबद्धता रहना बहुत आवश्यक है। इसके कारण ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय शिक्षण मंडल में जो हमने एक वाक्य का ध्येय हमने बनाया है, एक वाक्य ध्येय वाक्य, इसको प्रतिदिन स्मरण करना कार्यकर्ता के नाते बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसको केवल 42 सेकंड लगता है, इसीलिए हम आज संकल्प करेंगे कि रोज इस ध्येय का स्मरण हम करना चाहिए। टू अकम्प्लिश एनी नोबल एंड सब्लाइम गोल एन आइडियोलॉजिकल बेस इज वेरी मच नेसेसरी, विदाउट विच नथिंग विल गेट सक्सेस। भारतीय दर्शन इज इट सेल्फ ए स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। एज ए BSM कार्यकर्ता वी हैव टू पोजेस अनअबेटेड कमिटमेंट एंड कन्विक्शन टूवर्ड्स दिस फिलोसफी ए दर्शन। वी हैव डिराइव्ड अवर गोल इन वन सेंटेंस, we shall resolve to chant that goal every day. It requires only 42 seconds, less than 1 minute. वेदों के मंत्र अनेकों ऋषियों के तपस्या के कारण अनुभूति के माध्यम से साक्षात्कार हुआ है। महर्षि व्यास ने इन सभी ऋषियों के पास जाकर इनको संग्रह करते हुए इन मंत्रों का अध्ययन किया, संग्रह किया, अध्ययन किया, उनको विभाजन किया विषयों के आधार पर और अभिलेख भी किया। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, इसीलिए गुरु के रूप में उनको माना जाता है। निरंतर आविष्कार परिष्कार से साक्षात्कार होता है, इसके बाद ही उन्होंने उन सभी मंत्रों का अभिलेखन कार्य किया है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि न मूलम लिख्यते किंचित, आधार के बिना एक भी शब्द वाक्य नहीं लिखना चाहिए। व्यास महर्षि का इतनी बड़ी तपस्या रही है कि उन्होंने अनुसंधान के माध्यम से, अध्ययन अनुसंधान और अनुभूति के माध्यम से ही वेदों का उन्होंने संकलन विषयों के आधार पर किया है।
इसीलिए व्यास पूर्णिमा का इस संदेश को अपने जीवन में कार्यकर्ता के नाते हम अनुपालन कर सकते हैं क्या? ये अपने सामने एक अच्छा संकल्प हो सकता है। इसीलिए अध्ययन और अनुसंधान को अपने स्वभाव बना लेना और रुचि का विषय बना लेना चाहिए, ये कार्यकर्ता के रूप में बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 10 पृष्ठ पढ़ना और कम से कम एक पृष्ठ सारांश के रूप में लिखना, इसको श्रद्धा से नियमित रूप से तपस्या के रूप में हम रोज करें, इसका संकल्प आज हम करना चाहिए, यही अपेक्षा है। द ऋषिस इन एंशंट डेज ड्यू टू देयर रिगरस ऑस्टरिसिटी हैव रियलाइज्ड मंत्रास। महर्षि वेदव्यास कलेक्टेड ऑल दीज मंत्र फ्रॉम ईच एंड एवरी ऋषि एंड देन स्टडीड एंड अंडरस्टूड ऑल दीज मंत्रास एंड सेग्रीगेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड। दिस वॉज हरक्यूलस टास्क ही हैज डन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टॉपिक्स ही सेग्रीगेटेड बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूस रिसर्च एंड रिफाइनमेंट डन बाई महर्षि वेद व्यास दीज वेदास केम इन टू एग्जिस्टेंस। सो एज ए कार्यकर्ता वी हैव टू इंटरनलाइज दीज क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एंड कंटिन्यूस रिफाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द थिंग्स। सो वी शैल टूडे इन दिस ऑस्पिशियस डे वी शैल रिजॉल्व studying at least 10 pages every day and at least one page writing. हमारे लिए व्यास पूर्णिमा का और एक संदेश है, ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान का प्रसारण करना, यही व्यास कार्य है। एक ग्रहण और प्रसारण के बीच में अनुष्ठान भी है। ये तीनों अपना साप्ताहिक विचार मंच के रूप में जो हम विकसित किया है मंडल, इस मंडल में हर एक कार्यकर्ता को ये तीनों प्राप्त होते हैं। इसीलिए हर एक कार्यकर्ता मंडल चलाना अथवा मंडल में बिना चूके नियमित रूप से सहभागी होना मंडल में, एक कार्यकर्ता के घड़ने में ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए सप्ताह में एक दिन एक घंटा हम मंडल के लिए समर्पित करें, इसका संकल्प आज हम लेना चाहिए, ऐसी अपेक्षा संगठन की ओर से है। वी हैव वन मोर मैसेज फ्रॉम व्यास पूर्णिमा। इम्बाइबिंग द नॉलेज and dissemination of the knowledge is itself Vyasa Karya. This was done by Maharshi Vyasa with utmost care and rigorous austerity. Along with imbibing and dissemination, internalization is also very important. All these three will be fulfilled by our Mandal, a weekly study center. So, today we shall resolve to run the mandal on our own or to attend the mandal regularly without fail. Karyakarta will flourish with this mandal, our karya paddhati, and in turn our organization will get strengthened. Maharshi Vedavyas ji parivrajak ke roop mein पैदल चलते हुए दूर दूर तक कोने कोने तक पहुँचे। केवल वेदव्यास जी नहीं, हर एक ऋषि ऐसे परिव्राजक के रूप में पुराने दिनों में पैदल चलते हुए इस भारतीय दृष्टि को, इस भारतीय ज्ञान को लोगों के, आम जनता के व्यवहार में उतारने के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रयास, अनथक प्रयास उन्होंने किया है। यह भी
अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या ही थी। क्या हम इस संदेश को, महर्षि व्यास के जीवन के इस संदेश को हम स्वीकार कर सकते हैं? कार्यकर्ता के नाते हम आज इस बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त में हम संकल्प लेना चाहिए कि हम महीने में दो दिन, दो शनिवार रविवार अथवा दो किसी दिन हम प्रवास करेंगे, ऐसा हम संकल्प कर सकते हैं क्या? इस महामारी के संदर्भ में हम प्रत्यक्ष रूप में प्रवास भले ही हम नहीं कर सकते, साइबर प्रवास, ऑनलाइन प्रवास हम अभी करेंगे, लेकिन इस महामारी के संकट से मुक्त होने के बाद हम प्रत्यक्ष रूप से महीने में दो बार हम प्रवास करना चाहिए, ऐसा संकल्प आज हम करना चाहिए। महर्षि व्यास टूर्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ बाय वॉकिंग, व्हाट ए ऑस्टेरिसिटी इट वॉज। He spread the philosophy and an intensive effort were made by him to internalize this philosophy into the lives of the common people. So today, in this sacred day, we have to resolve to tour at least 2 days in a month to strengthen the organization. It will enhance our knowledge and the experience also. ज्ञान का प्रसारण के लिए अनथक प्रयास करना भी आवश्यक है। शिक्षक का सम्मान, गुरु आचार्य का सम्मान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाकर जुलाई 6 यानी कल से जुलाई 12 तक एक सप्ताह तक हम अपने प्रांत और जिला के अधिक से अधिक शिक्षा संस्थान तक पहुँचें और इसके माध्यम से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे। इसके कारण इस व्यास पूर्णिमा का संदेश को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने का सघन प्रयास हमको करना है, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ ही व्यास पूर्णिमा का आयोजन अधिक से अधिक परिवारों में आयोजित करना, यह भी बहुत आवश्यक है। एक परिवार में अधिक से अधिक 10 लोग भाग लें, ऐसे अधिक से अधिक परिवारों में व्यास पूर्णिमा का आयोजन हो, इसका प्रयास हम सभी को करना है। ये व्यापक रूप से होने के लिए अपने प्रांत में, जिले में कितने भी, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी का योगदान लेते हुए शिक्षा क्षेत्र के मूर्धन्य लोगों को भी इसमें समावेश करते हुए हमको अधिकाधिक परिवारों में इस व्यास पूर्णिमा का आयोजन करना चाहिए, इसका संकल्प भी हम आज अभी यहीं पे लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। टू डिसिमिनेट द नॉलेज द अनटायरिंग एफर्ट्स आर नीडेड, द रेवरेंस, द भक्ति टुवर्ड्स द टीचर, वी हैव टू टेक इट टू द हाइट्स बाय आवर एफर्ट्स, सो वी हैव टू रीच द मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स with the message of Vyasa Purnima. We have to organize Vyasa Purnima in maximum families with maximum number of 10 in one family. If we involve maximum members and karyakartas in this event, it is not much difficult to reach our target, that is the maximum number of educational institutions and the maximum number of students. और एक बार मैं पुनः स्मरण करा दूंगा, आज का इस पवित्र दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन हम संकल्प करें रोज ध्येय का स्मरण, रोज अध्ययन और अनुसंधान, 10 पृष्ठ पढ़ना, 1 पृष्ठ लिखना,
अभिलेखन का कार्य को अपना स्वभाव बना लेना, यानी डॉक्यूमेंटेशन शुड बिकम द हैबिट इन अवर लाइफ। ज्ञान ग्रहण करना और प्रसारण करना भी महत्वपूर्ण काम है, यही व्यास कार्य है। इसके लिए मंडल में सहभागी होना, मंडल चलाना और ये काम होने के लिए निरंतर महीने में 2 दिन नियमित रूप से प्रवास करना, अधिक से अधिक परिश्रम करते हुए व्यास पूर्णिमा का इस आयोजन को अधिक से अधिक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अधिक विद्यार्थी, अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने का संकल्प आज हमें लें, यही विनम्रपूर्ण निवेदन आपके सामने रखते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। नमस्कार। भारत की महान एवं समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत व्यास पूजा के पावन पर्व पर भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित व्यास पूजा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी अक्षरवत्सल जी महाराज अध्यक्ष अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर के द्वारा जो पाथे एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसके लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार का उनका आशीर्वचन और मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे कि हम भारत माता को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने में सफल हो सकें। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शंकरानंद जी द्वारा स्वामी जी द्वारा बताए गए पाथे को निष्ठापूर्वक जमीन पर उतारने हेतु कार्यकर्ताओं का जो आवाहन किया गया है, इसके लिए उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुणा सारस्वत जी के द्वारा आज के कार्यक्रम के अतिथि परिचय एवं सुंदर विषय प्रस्तुति के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यतां। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।